अब 2545 में लोग बागों को ये लगता है कि पता नहीं कितना हो गया यार, 2545 हो गया, अब तो गाड़ियां बना लेगा साला। जो अर्निंग 12 घंटे में हो जाती थी अब वो 15-16 घंटे में हो रही है, ऐसा है। तो बाकी ठीक है, कभी कम कभी डाउन, हैप्पी रहे। और जिसने गाड़ी ले ली वो दबा के कमाए, मेहनत करे, कम बत्ती काम ना देखे। और जिसने नहीं ली उसके लिए कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सोचे समझे और उसके बाद ले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल समर मोटर ब्लॉग। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज है मंडे और संडे को हमारा काम पीटी गया था, तो आज करना है काम दबा के, इसलिए हम थोड़ा निकल गए थे जल्दी। 5:48 हो चुका और डिवाइस को करते हैं ऑन। 5:48 का डिवाइस ऑन हमारा, ओके। अब देखते हैं कहाँ की बुकिंग आती है, अभी चलते हैं। और आज हम बताएंगे कितने की अर्निंग होगी और कैसे कैसे ओला उबर में काम होता है, कितने का कमीशन कटता है, कितना हमें बचता है टोटल। और आज एमसीडी टोल भी कटवाना हमें, काफ़ी दिन हो लिया, 7-8 तारीख हो जाएगी, एमसीडी टोल भी नहीं कटवाया, तो आज एमसीडी टोल भी कटाएंगे, क्योंकि एमसीडी टोल के बगैर अर्निंग बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रही थी, बहुत ज़्यादा कम हो रही थी। गाइस, मैं पहुंच गया था रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन की बुकिंग थी हमारी 19 किलोमीटर की, और जिसका हमें मिला 191 रुपये प्लस 50 रुपये टोल। फिर वहां से दूसरी मेरे को बुकिंग मिली एक रोहिणी की, जो थी 18 किलोमीटर की, और जिसका मिला 188 रुपये और 50 रुपये टोल। अभी खड़े हैं रोहिणी में, करते हैं डिवाइस को ऑन। छोटी छोटी बुकिंग मिल रही है यार, छोटी मोटी। अभी ये देखो पीतमपुरा की 7 किलोमीटर की 130 रुपये, वो भी कैंसिल होगी, नहीं उठानी है भाई। अब देखेंगे, कोई बड़ी बुकिंग आएगी तो उठाएंगे, छोटी मोटी में नहीं भाई, छोटी मोटी में टूचर मोटर में बहुत समय खराब होता है। तो गाइस, वहां तो मिल गई थी मेरे को एक राइड, जो थी थोड़ी लंबी, 36 किलोमीटर की थी, जिसका मेरे को दिया 241 रुपये। अभी मैं हूँ गुड़गांव में, लंबी राइड है तो गुड़गांव से, दिल्ली से तो बाहर होना ही है, लंबी राइड लो तो दिल्ली से बाहर। बाकी आज तो कहीं भी जा सकते हैं, और टोल कटवा लेना है हमें, अभी नहीं कटवाया, जब अंदर एंटर करेंगे दिल्ली में जब टोल कटवा लेंगे। बाकी देखेंगे आज कहाँ कहाँ की लंबी, जितनी भी जहाँ तक की लंबी आएगी वहाँ तक की पकड़ेंगे, साला दुबई तक की ट्रिप आ जाए वो भी पकड़ेंगे। काफी देर से ड्यूटी बज रही है 50-50, 100-100 रुपए की, कितनी बड़ी बड़ी ड्यूटी। गुड़गांव में यही है, एक बार आ जाए तो बस फंस जाता आदमी, या फिर ऐसी ऐसी ड्यूटी आएगी। काफी देर गुड़गांव में इंतजार करने के बाद एक बढ़िया राइड आई है, जो 7.5 किलोमीटर का मेरे को दिया 219 रुपये, और कस्टमर का बिल आया 300 रुपये। तो कभी कभी कस्टमर की ऐसी तैसी मार देता है, 7 किलोमीटर का 300 का हिसाब अगर देख रहे हो आप तो 30 रुपये से भी प्लस पड़ रहा है। बाकी ठीक है, एक आधी राइड ऐसी लगती रहती है तो अच्छा है। अभी समय हो चुका है 11:30 ही हो चुका है तकरीबन। अभी हम घूम रहे हैं गुड़गांव के अंदर ही घूम रहे हैं, अभी देख रहे हैं कोई सही सी लंबी सी मिल जाए, लंबी सी नहीं मिले तो ऐसी तो मिल ही जाए। इसमें समय भी हमारा 40 मिनट लगा, टाइम तो लगा है 7 किलोमीटर में, लेकिन फिर भी अच्छा मिल गया। गाइस, अभी हूँ मैं दिल्ली हाई कोर्ट। गुड़गांव से मेरे को एक पीतमपुरा की राइड मिल गई थी, जो थी 32 किलोमीटर की, जिसका मिला मेरे को 290 रुपये और 100 रुपये का टोल। और जैसे ही पीतमपुरा पहुँचा, पीतमपुरा पर पहुँचते ही मेरे को एक इंडिया गेट की दिल्ली हाई कोर्ट की मिल गई थी, जो जिसका फिर था 31 किलोमीटर की वो राइड थी, और जिसका मिला मेरा 363 रुपये। अभी हो चुका है 1:31 और मैं हूँ दिल्ली हाई कोर्ट में। अभी यहाँ से देखते हैं कहाँ की मिलती है, डिवाइस करते हैं ऑन। एक्चुअली बैक टू बैक बुकिंग आ गई थी तो वीडियो बना नहीं पाया, उस चक्कर में फिर डिवाइस बंद करना पड़ा मेरे को। अभी देखते हैं कहाँ की मिलती है, बाकी अभी तो नॉर्मल है काम, ठीक है, इतना बुरा नहीं, बहुत अच्छा है। और यह है दिल्ली हाई कोर्ट, मजा आ रहा है ना, क्लियरिटी बताओ कैसी है, एकदम गजब। तो गाइस, अभी है द्वारिका में। अभी मैंने वहाँ से इंडिया गेट से इसे एक पिकअप किया था, उसका बिल हुआ
323 इसको करते हैं 3 स्टार रेटिंग के साथ, ठीक है ओके। और 323 में किलोमीटर हमारी चली कितनी, 27 किलोमीटर के दिए भैया 246 रुपये। ओहो काट दिया, मतलब काट दिया ओला, शर्मा नहीं रहा बिल्कुल भी, नूने देख रहा भाई इतनी गर्मी में 3-3 पॉइंट एसी चलवा के सवारी लेके आ रही है और देखो क्या दे रहा है, टिणन टिणन 80 रुपए में टिणन, इतने पे का तो डाटा फूंक देगा टिणन करके, जितने की बुकिंग दे रहा है उतने का तो इंटरनेट फूंक देता है ये भैया। गर्मी तो हो ही रही खैर, लेकिन कस्टमर ये सोचता है कि इसको गाड़ी को शिमला बना दे, बता इनमें 8-7 रुपए किलोमीटर में शिमला बनाई जाती है, अरे 20-25 रुपए किलोमीटर 10 और 2 सिल्ली बर्फ की रख ले इसमें, तो अभी देखते हैं कहाँ की मिलेगी। तो अभी हूँ मैं विजयनगर में, वहाँ से मेरे को द्वारका से राइड मिल गई थी जो थी 48 किलोमीटर की और जिसका फेयर मेरे को मिला 422। अबे भाई 48 किलोमीटर के 422 यार, चलो 120 रुपये टोल मिल गया, 542 हो गया। अभी देखते हैं यहाँ से कहाँ की मिलती है विजयनगर से। अब क्या यार बहुत कम फेयर दिया और आगे विजयनगर की गलियों में बुकिंग एक्चुअली इसलिए उठा ली थी काफ़ी देर से, कोई लंबी बुकिंग नहीं मारी थी भाई। अब देखते हैं विजयनगर से कोई मिलती है क्या, कौन कौन पहचानता है इस जगह को, विजयनगर में कौन सी जगह है कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो गाइस समय हो चुका है 8:15 और विजयनगर में मैंने कितने बजे ड्यूटी छोड़ी थी, विजयनगर से प्रताप नगर और वसुंधरा और इंदिरापुरम, इंदिरापुरम आ चुका हूँ लेकिन अभी तक कोई ड्यूटी वूटी मेरे को नहीं मिली है, काफ़ी देर से ऐसे घूम रहा हूँ। अब चलता हूँ दिल्ली की तरफ को, देखता हूँ जैसे भी होगा भाई निकलना पड़ेगा, यहाँ तक 2-3 घंटे यहीं बर्बाद हो लिए और बुकिंग एक भी आई नहीं भैया। देख रहे हो कहाँ पे आ चुका हूँ, विजयनगर से ड्यूटी छोड़ के कुछ समय हो चुका है 8:45 क्या 9 ही बजने वाले हैं। बस घर के लिए निकल लिया था, डिवाइस ऑन है लेकिन कोई ड्यूटी नहीं आके दे रही भाई। एक आई थी अभी, मैं था इधर हाईवे से अंदर ही आया था और तो 6-7 किलोमीटर साई निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की बल्लमगढ़ की, वो मैंने नहीं उठाई। मैं बल्लमगढ़ बल्लम अभी तो मैं गाजियाबाद से लग रहा हूँ, अभी बल्लमगढ़ जाके रुक जाऊँ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है भैया, बहुत बहुत ज़्यादा। तो गाइस 2-3 घंटे बर्बाद करने के बाद आखिरकार मेरे को एक इंडिया गेट से गो होम मिला, मिला तो खैर घर के पास का ही है और लेकिन फेयर अपना नॉर्मल सा ही है। ये थी राइड 20 किलोमीटर की जिसका मिला मेरे को 207 रुपये और आज की जो टोटल हमारी अर्निंग हुई दिखा दूँ, हालांकि दिखानी नहीं चाहिए क्योंकि अर्निंग बहुत मोटी है, ये लीजिए देखिए कितना हुआ 2545 रुपये। अब इसमें ये बताओ नंगन आएगा क्या निचोड़ेगा क्या, या तो नहा लो या निचोड़ लो। अब 2545 में लोग बागों को ये लगता है कि पता नहीं कितना हो गया यार, 2545 हो गया अब तो गाड़ियां बना लेगा साला, एक तो एक दो गाड़ी और खरीद के गिर लेगा भाई साहब। जब कैलकुलेशन करोगे ना 0/0 रहता है इसमें, ऐसा भी नहीं 0/0 लेकिन समथिंग अगर CNG VNG का सब कुछ काट के 500-600 रुपये बनते हैं, वो भी मुश्किल बचते हैं, तो ये कंडीशन है। हालांकि कभी हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा देता है जो काम ठीक कर देता है ठीक। ये अर्निंग मैं बताऊँ आपको कितने घंटे की है, सुबेरी आपने तो देखा ही होगा 5-5:30 बजे के आसपास निकला था मैं और अभी 9:45 बजने वाले हैं, मतलब वही 15-16 घंटे का ये अर्निंग होता है। जो अर्निंग 12 घंटे में हो जाती थी अब वो 15-16 घंटे में हो रही है, तो इसलिए कहते हैं कि भैया कभी काम मंदा कभी वो, काम इतना भी मंदा नहीं है, कभी बिल्कुल ही भुखमरी आ रही है, गाड़ी की किस्तें भी नहीं जा रही है, रो पीट के जा रही है गाड़ी की किस्तें चली जा रही है ठीक है ऐसा है। तो बाकी ठीक है, कभी कम कभी डाउन, हैप्पी रहे और जिसने गाड़ी ले ली वो दबा के कमाए, मेहनत करे
कमबत्ती काम ना देखे, और जिसने नहीं ली उसके लिए कहना चाह रहे हैं कि थोड़ा सोचे समझे और उसके बाद ले। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड बाय। बाय बाय।